और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पार्टी छोड़ने के बाद कैप्टन अजय यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी मुझे कम ना आके, ये बात कैप्टन अजय यादव ने कही है। और पहले किरण चौधरी को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और इसी कारण भिवानी में कांग्रेस सभी 4 सीटों को हार गई। अब अजय यादव ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि अजय यादव ने अपना जो इस्तीफा भेजा है अभी वो मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन नाराजगी लगातार वो जाहिर कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद कैप्टन अजय यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो परसों आपने देखा कि कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया था, हालांकि इस्तीफा अभी उनका मंजूर नहीं किया गया है। इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि इस्तीफा मंजूर होते ही वो अपनी बात को मीडिया के सामने रखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं कि लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। किरण चौधरी का उन्होंने जिक्र किया कि उनको भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, इसी कारण से भिवानी में कांग्रेस सभी 4 सीटों को हारी और कांग्रेस मुझे कमतर ना आके, ये बात कैप्टन अजय यादव की तरफ से कही गई है। हालांकि पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ओबीसी मोर्चा के वो अध्यक्ष थे उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अभी उनके इस्तीफे को हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन इस्तीफे के बाद लगातार अपनी नाराजगी को वो जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज भी उन्होंने फिर लिखा कि कांग्रेस पार्टी मुझे कम ना आके, किरण चौधरी को भी पार्टी छोड़ने पर इसी तरह से मजबूर किया गया और इसी वजह से भिवानी में कांग्रेस सभी 4 सीटें हार गई।